नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झाबा लाइव और मैं हूं भूपेंद्र सिंह नायक। विगत 15 दिनों से पेट्रोल बॉर्डर पर भारी चहल पहल हो रही है। गुजरात में फंसे हुए मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर, यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर इसी रोड से, इसी स्थान से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। यहाँ पर 15 दिनों से झाबा प्रशासन का पूरा प्रशासनिक हमला लगा हुआ है। यहाँ के नायब तहसीलदार हों, राजस्व विभाग के लोग हों, पुलिस विभाग के लोग हों और यहाँ के जो इंचार्ज हैं, हमारे साथ SDM साहब अभय सिंह खराड़ी, डॉक्टर अभय सिंह खराड़ी लगातार 15 दिनों से लगे हुए हैं। यहाँ से MP के लोगों को तो आसानी से जाने की व्यवस्था है, पर UP और बिहार के लोगों को जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वे अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से चोरी छुपे जाते हुए अपने गंतव्य की ओर पैदल जा रहे हैं। परंतु अब यहाँ 15 दिनों में कितने लोग गए होंगे, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं होंगी, हम उनके लिए प्रभारी डॉक्टर अभय सिंह खराड़ी जी से जानेंगे कि 15 दिनों में क्या व्यवस्था रही। सर नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा सवाल ये है कि आप विगत 15 दिन से ग्राउंड पे हैं, यहाँ रात दिन सतत आपकी टीम, आपके विभाग, समस्त विभाग के लोग काम कर रहे हैं, क्या इन 15 दिनों में ऐसी कोई स्थिति बनी कि कहीं प्रवासी मजदूरों को तकलीफ आई हो, और अभी तक कितने लोग गए हैं और कहां कहां के लोग गए हैं? देखिए, हमारी जो टीम है वो सारी टीम यहां पर पूरे मुस्तैदी से काम कर रही है। उसमें हमारे सारे तहसीलदार्स हैं और हमारे नायब तहसीलदार्स हैं, हमारे जो जिला प्रशासन के द्वारा, हमारा जिलाधीश महोदय के द्वारा जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो उनकी टीम है, हमारे पटवारी साथी हैं, हमारे अकाउंटेंट है और आप देख रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी, वो सब लोग, हम लोग जो है पिछले 15 मार्च से हम काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो है 15 अप्रैल से भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसको आज 15 दिन हो गए हैं। तब से लेके आज तक लगभग 52,000 पब्लिक माइग्रेटरी लेबर्स जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िले, जिसमें प्रमुखता से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया और झांसी का जो सीमावर्ती राज्य रीवा, पन्ना और उसका सीधी, सिंगरौली, सतना, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, मंडला, इन शाजापुर और इंदौर डिवीज़न के कुछ ज़िले, उज्जैन, इंदौर डिवीज़न के कुछ ज़िले, इस प्रकार से अभी तक हम 52,000 माइग्रेटरी लेबर को उनके डेस्टिनेशन तक जो है अभी तक 1200 बसों के माध्यम से हम भेज चुके हैं। लेकिन अगर ज़िले की बात करें तो ज़िले में मात्र 3,000 पब्लिक जो है हमारी, यहाँ से हम सिर्फ तूफानों के माध्यम से उनको उनके डेस्टिनेशन, मतलब राणापुर है, हमारे अलीराजपुर है और पास में हमारा बड़वानी है और यहाँ का जो पेटला व देहथानला है, उन जगह के लोगों को हम भेज चुके हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ जो पांडा लगा हुआ है, यहाँ पर हम खाना उनको दे रहे हैं और खाना हमारा लगभग 24/7 चलता है और उनको हम गर्म गर्म भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसके साथ में हमारे थर्मल स्क्रीनिंग पर हमारे डॉक्टर्स की जो टीम है, लगभग 20 डॉक्टर्स जो हैं लगातार डे नाइट 24/7 काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और इस प्रकार से हमारा तमाम अमला जो है हमारे जिला प्रशासन के नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं और पूरे ऑनेस्टी से डिवोटेड होके काम कर रहे हैं और हम ये जो है निरंतर इसको हम सेवा दे रहे हैं। सर, हमारे सूत्र बताते हैं, हम कोई आरोप नहीं लगाते, हमारे सूत्र बताते हैं कि बस ऑपरेटर यहाँ से कम सवारी भरते हैं, आगे जाके दो बसों को एक बसों में सवारी परिवर्तित करके भी यहाँ कुछ बेईमानी जैसा काम करें, उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? नहीं, अभी जो है हम लोगों ने 3 बसों पे इसके विरुद्ध कार्रवाई की है और उनके ऊपर हमने जुर्माना भी अधिरोपित हमारे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा किया गया है, जो 15-20 लाख रुपए पर बसेस के हिसाब से किया गया है। सर, ये तो बात आपने जो कार्रवाई की उसकी है, पर वर्तमान में अभी भी बॉर्डर के ऊपर जो परमिट वहाँ से बन के आता है, पर अब वो वहाँ तक, यहाँ तक ना आते हुए गुजरात की बाउंड्री में ही खाली करके जा रहे हैं। ये जो गुजरात की बसेस आ रही हैं, उन गुजरात की बसों के द्वारा, उनके ऑनर्स के द्वारा जो लेबर, माइग्रेटरी लेबर को भर के ला रहे हैं, उनका परमिट तो डिंडोरी तक का होता है, मंडला तक का होता है, शाजापुर तक का होता है,
इवन रीवा सतना तक का होता, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि उनसे पैसा भी वसूल करते रहते हैं, सशुल्क लाते हैं वो, लेकिन हमारा जो खंगेला का जो बॉर्डर है, जो कि हमारा सीमावर्ती मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, ये उनके एक किलोमीटर पहले वहाँ उन लेबर को उतार देते हैं और वो वापस जो है दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। इसी कारण से हमारे पिटोल बॉर्डर पर और यहाँ पर जो है हमारे माइग्रेटरी लेबर की संख्या एकाएक बढ़ जाती है और उनके बढ़ने से हम लोग जो है यहाँ पर मैनेजमेंट में हम लोगों को फिर काफ़ी समय तक, लंबे समय तक जो है काम करना पड़ता है और ये कारवा लगातार चल रहा है और उसको कभी कम हो ही नहीं रहा है। थैंक यू सर। आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर अभय सिंह खराड़ी, जिन्होंने कहा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया हमें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमारे अगली खबर की जानकारी मिलेगी। बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।